हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सिद्धि यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊ। आज मालिका वचन आलोचन में आलोचना करने को जाऊँ कौन कौन बाकी कि लक्षण मान थी जन को आम सदगुरु बोली कह विषय अच्युतानंद महापुरुष मालिकार सीमित किसी संकेत दे कि कौन कौन लक्षण थे जन को आम सदगुरु बोली कह संसार महापुरुष कही कथा मालिकार ज्ञानी गुणी मंडली गुरु जेहु सेहु बाबू सूर्य तेज जाणी अच्युत महापुरुष मालिकार नाम गुरु भक्ति गीतार कहले गुरु कि गुरु जेहु सेहु बाबू सूर्य तेज जाणी शिष्य चंद्रमा किरण शीतल पुणी शिष्य चंद्रमा किरण शीतल पुणी शिष्य चंद्रमा किरण शीतल पुणी। अच्युत महापुरुष कहले राम रे गुरु किए ना गुरु जे हु से हु बाबू सूर्य तेज जाणी गुरु हूँ सूर्य सम शिष्य चंद्रमा किरण शीतल ही पुणी शिष्य हूँ चंद्रमा भाई शीतल हेले जन सदगुरु कृपा ही था चंद्रमा भाई शांत शीतल रही महापुरुष से कहले सदगुरु सेवा कले जाए द्वंद मोहंता जल रे जेने पड़ी जाए बंद मोहंता जल रे जेने पड़ी जाए बंध मोहंता जल रे जेने पड़ी जाए बंध। ए ज्ञानी गुणी मंडली सुधि जानी शिष्य रामचंद्र को अच्युतानंद कौन धन रे सदगुरु सेवा कले फिटी जाए द्वंद्व कली जुगरे कलिहत मनीष जदि सदगुरु सेवा कला आई सदगुरु कृपा जदि तापर है गुरु कृपा ही केवल तेणु तार समस्त द्वंद्व तुटिज द्वंद्व फिटिज ईश्वर विषय रे भगवान विषय रे संसार विषय रे परिवार विषय रे धर्म विषय रे मनीष जीवन केमी बचा दरकार से विषय जहाँ द्वंद्व रही मु शरीर ना मु आत्मा ये विषय द्वंद्व जदि रही द्वंद्व फिटिज अयमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद अहम तत्वमसी अयमात्मा ब्रह्म सो अहम ज्ञानता भितर आसीज मो शरीर नुह मो आत्मा मुझे परमात्मा अंश विशेष तेणु ये दिव्य ज्ञानता को मिलज महापुरुष कह के बेले जो सदगुरु जन सेवा कली जुगे कला बहंता जल रे जेने पड़ी जाए बंध समय सुहरे दुनिया जुआड़े चली आड़े जीवि नहीं मेढा मान चल भाया ना
तार गतिपथ अटकि जाए सद्गुरुंकर शरणापन्न पाई दिव्य ज्ञान शरण सद्गुरुंकर ठारु पाइले ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति रे कलिजुगर मणीष तु गुरु वरण करिबा दरकार काहेकि गुरु दीक्षार आवश्यकता रही गुरु वरण कौन आवश्यक रही च गुरु जार नाई ताकू निगुरा कहती जार गुरु नाई ता हाथ रु पा छुईवा मध्य बाप कलिजुगर जो मनीष जड़े सद्गुरु ग्रहण करना से क्या दान कले द्वारा पुण्य हुए ना बोली एक शास्त्र पुराण से ऋषि मुनि मैंने लिखिदे जाए कलिजुगर जड़े सद्गुरु ग्रहण करना महापुरुष कह तार कन्यादान करार अधिकार बोली शास्त्र कही जो जगार बसंती से जगह अपवित्र हो जाए तो सही प्रभु राम गुरु करते विश्वामित्र वशिष्ठ कृष्ण गुरु करते संदीपनी गर्गाचार्य को 33 कोटी देवता मैंने गुरु करते बृहस्पति की असुर मैंने गुरु करते शुक्राचार्य को तेना गुरु न तरी उद्धव काऊ पाइबु सदज्ञान गुरु वरण करू सदज्ञान ते मिल ये ज्ञानीगुणी मंडली सुधीजन भागवत से अवधूत 24 गुरु अवधूत 24 गुरु प्रसंग आसे 24 टी गुरु करते तो महापुरुष कहले बाबू रे देवता हो शांति होइले टी शांति करी पारी थांति गुरु गुरु असंतुष्ट होई गले शिष्य साप होइ महा मेरो साप हुए महा हे सुजने साप हुए महा मेरु साप हुए महा मेरु रे सुजने साप हुए महा मेरु अच्युतानंद कौन प्रिय शिष्य रामचंद्र कले धन रे देवता माने जदि का परे असंतुष्ट होई थांदी देवता माने जदि का परे कोप करितिबे ताले से देवता मानको शांति किए करई परिबे ना गुरु बुझिले तनो सी दिबे महापुरुष कहउचंदी तुमे गुरु वरण कर रे कणि जुगर मणीष काहे कि ना जते कथा माना तो आगे कहिली ए हटे सकल सदगुरु बिना नर कारण बरु जीवन हुए ओ तारा जीवन हुए ओ धार हे सुजने जीवन हुए ओ धार जीवन हुए धार अच्युतानंद महापुरुष कले राम रे जिते कथा मान तो आगे कहली ये अटे सकल सार जी कथा मु तो आगे कही ज्ञान विज्ञान जिते कही ये सबुर सार हो कौन ना सदगुरु बिना नरकार नबरु जीवन हुए उद्धार सद्गुरु न मिलले जनकु कलिजुगरे से मनीष ये नरकार नबरु ये संसार उद्धार पाई बोली ये सद्गुरु भगवान के शिष्य रामचंद्र पचारे हे गुरुदेव तार जन सद्गुरु को आम चिन्हवा केमी जन सद्गुरु बोली आम केत कह जन को सद्गुरु बोली कौन कौन लक्षण मान थे जनक आम ताको सद्गुरु बोली कह सीमित कि संकेत आप दौना ना तो कलिजुगर अनेक गुरु हो बोलिए ना अनेक गुरु कलिजुगर होती कले भिक्षा डंगा गोटा बुड़ाई देवे भिक्षा डंगा गोटा बुड़ाई देवे मिथ्या कथा कही शिष्य करिवे मिथ्या कथा कही शिष्य करिवे कहिबे देख आंबे अवतारिक कहिबे देख आंबे अवतारिक कथा पद्म चिन्ह मो पाखे देख कथा पद्म चिन्ह मो पाखे देख शिष्य रामचंद्र कले कले गुरुदेव मालिकार नाम हूँ शिवकल्प नवखंड निरखंड ई पदटी लिखिले शिष्य रामचंद्र कहे गुरुदेव कलिजुगर ये अनेक गुरु मिले सद्गुरु जो कही आत्मप्रचार करूबे विज्ञा डा गोटा बुड़ाई देवे
मिथ्या कथा कही शिष्य करिवे कहिवे देख आंबे अवतारेक गदा पद्म चिन्ह मो पाके देख 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 मो हाथ रे चक्र चिन्ह देख देख मो पाद रे शंख चिन्ह मो छाती रे चक्र चिन्ह शंख चिन्ह देख मो भगवान को अवतार बोली निज को अनेक गुरु माने कहिके बोलिबे तने हे गुरुदेव कौन कौन लक्षण जनकटारे थिले आमे ताको सद्गुरु बोली कहिबा से जन सद्गुरु बोली जानिबा ताको आमे वरण करिबा ग्रहण करिबा कलि जुगरे आ सिमिति कि जे आपण कहुनांती अच्युतानंद महापुरुष कहिले कले बाबू रे मालिकार नाम होची पोटा मडाण ना गुपत लक्षण सदा गोरुंगारा केते का कहिबा तोते सुनरे बारंग मन करन दे जा मु कहे जुकते जा मु कहे जुकते सुजने जा मु कहे जुकते जा मु कहे जुकते सुजने जहाँ मु कहे जो गते शिशु आनंद कहते हे बारंग सद्गुरु केतक लक्षण मु तुम आगे कहूँ तु बारंग मन कर्ण देखिए शुण ना गुरुदेव कहना सद्गुरु किए कह सजिया काले गोरो पासरे बसाई देवे दिव्य ब्रह्म ज्ञान देवे दिव्य ब्रह्म ज्ञान हे सुजने देवे दिव्य ब्रह्म ज्ञान अष्टाद साक्षर निशारे साधीबे जीवटी नव लक्षण सुण सुजने गुणी बेड़ काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी महापुरुष कले सजिया काले गुरु पाखरे बसाई देवे दिव्य ब्रह्म ज्ञान पाखरे बसई शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करथि आउ अष्टादशाक्षर 108 थर जो मंत्र देथिबे प्रतिदिन ताको जप करिवा पई मध्य गुरु निर्देश देथान शिष्य को ई शिक्षा जी देथिबो से होचने सद्गुरु नाउ लक्षण कण ना अतिथि को सदा नित्य पूजुथिबे वेद पाठे सदा रत विप्रंको देखिले विष्णुंको पराए मणुथिबे आरे सुत आउ मणुथिबे आरे सुत हे सुजने मणुथिबे आरे सुत मणुथिबे आरे सुत हे सुजने मणुथिबे आरे सुत ये अतिथि आगंतुक माने आसिबे गुरु आश्रम को गुरुंग पाख को महापुरुष कहले कहले बाबू रे नित्य पूजुथिबे अतिथि नारायण समान अतिथि भगवान अतिथि की मन करी अतिथि की भगवान समान मन करी जी सदा सर्वदा तांको पूजुथिबे वेद पाठे सदारत सदा सर्वदा वेद भगवान हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहते भगवान उदर रु बाहर वेद नहीं भगवान विष्णु उदर रु गर्भर वेदर उत्पत्ति तेणु से वेद पाठ सदा सर्वदा करुथिबे ज्ञान आहरण करुथिबे विप्र को देखिले विष्णु को पराए मणु थे आरे सुत विप्र कले ब्राह्मण को देखिले विष्णु पराए जी मणु थे सद्गुरु जानबू आउ कौन कहले कहले चतुर्थ रे सरव जने श्रद्धा बोई प्रसाद जे बांटो थीबे पंचम रे ज्ञान तत्व ब्रह्म ज्ञान जने बखाण करिबे जगे बखाण करिबे हे सुजने जगे बखाण करिबे जने बखाण करिबे हे सुजने जने बखाण करिबे
चतुर्थरे सर्वजने श्रद्धा वही प्रसाद जे बांटुथिबे सर्वजन तांगर प्रिय होइथिबे सर्वजन प्रति श्रद्धा तांगर थिबे समस्त निजर पुत्र समान जी भावुथिबे बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की निज संतान केवल नुहंती समस्त शिष्य को जी निजर संतान सम मानुथिबे संतान भली ग्रहण करुथिबे समस्त जनमान को निजर पुत्र सम देखुथिबे तांको हिंतु सद्गुरु बोली जानिबु आउ पंचम ज्ञान ए प्रसाद बांटुथिबे प्रसाद आगे जी आसिले आगंतुक खाइछ कि नाही भोजन करिछ कि नाही आगे जाओ खाई दे आसिबो टिके खाई आस ये कथा जी पचारुथिबे जानिबु सद्गुरु बोली आउ पंचम ज्ञान तत्व ब्रह्म ज्ञान जनि बखाण करिबे ज्ञान तत्व लोक मानक बांटुथिबे ज्ञान यज्ञ मध्यम सत्संग मध्यम सदा सर्वदा भ्रमण मान ही सत्संग मान कर ज्ञान संसार को बांटुथिबे निजर गु अर्थात अंधकार रु अर्थात आलोक जी अज्ञान रूपक अंधकार रु ज्ञान प्रकाश आड़क आम को नहीं जाती सी हूँ गुरु तेणु ये अज्ञान रूपक अंधकार मनीष भितर जदि रही थे आहार निद्रा भय मैथुन आहार निद्रा भय मैथुन यंत पशु सामान जी बंचुथ दिव्य ज्ञान दे भितर पशु प्रवृत्ति दूर कर सद्ज्ञान बीजारोपण कर देवत्व परिणत करदेव शिष्य को महिला मछर महुमाची जी कर दिए मानव जी माधव करदेव दिव्य ज्ञान दे ज्ञानी गुड़ी मंडली सी हूँ सद्गुरु महापुरुष से कहले आउ कौन लक्षण हे गुरुदेव कहना ना ऐश्वर्य संख्या रे सुण रे नंदन सर्व ज्ञान विशारद शपथ महरे परा ज्योति प्रकाशिव जानिबु मध्यम भेद जानिबु मध्यम भेद हे सुजने जानिबु मध्यम भेद जानिबु मध्यम भेद हे सुजने जानिबु मध्यम भेद समस्त ऐश्वर्य को जे तुच्छ मने करे गोटे हाथ रे सुना आउ गोटे हाथ रे कौन ना माटी पत्थर ये दीटा को जी समान भाव देखे सी हूँ सद्गुरु सुना मूले जो शिष्य मोटा आकार दान दे गुरु को देला गुरु पाद तले पकेला मोटा आकार अर्थ दान ताको शिष्य भल सी शिष्य सी मोर से प्रिय शिष्य आज कि नदेला सी प्रिय न ना ये ज्ञानीगुणी मंडली सुधि जानी सुना एवं पत्थर को जी समान भाव देखे से हूँ सद्गुरु बुझे आउ कौन सद्गुरु लक्षण ना अष्टम रे तांग बहु श्रद्धांतर शिष्यंक उपरे थीब शिष्यंक उपरे थीब हे सुजने शिष्यंक उपरे थीब नवमे करकस मुखे बहु थीब अंतरे चिंती वाला सुना सुजाने गुणी बेला काल आसी लाणी हे सुण सुजाने गुणी महापुरुष कहले अष्टम रे तांक बहु श्रद्धांतर शिष्यंग उपरे थिबो शिष्यंग प्रति बहुत श्रद्धा अंतर रे तांकर थिबो किंतु नवमे कर्कस मुखे बहुथिव अंतरे चिंतिव नव मुखर कितु शिष्य प्रति बहुत कठोर एवं कर्कस बाणी थिव जिमिति कि पनस प्रकार पनस उपरे कंटा भितरे देखला बेलू नरम नहीं नढ़िया जिमिति आपण देखिबे उपरे टाण भितर श्रीफल पराए होइबो नंदन श्रीफल बळिया से हेकि थिबे श्रीफल कले नढ़िया उपरे जिमिति टाण भितरे बहुत नरम तेणु शिष्य प्रति मुखरे कठोरता थिव अनुशासन शिष्य को बांधि थिबे गुरु कहले कौ अनुशासन सद्गुरु कहले कौ अनुशासन
जी शिष्य को संसार चलिबा पई मार्ग देखे से ही मार्ग को अनुशासन सहित परिचाल अनुशासन सहित शिष्य को से मार्ग परिचालित कराए से हूँ सद्गुरु तेणु महापुरुष कहे ही तु सद्गुरु बोली कहू इनव लक्षण थीब देऊ जान सद्गुरु अटे से दशम लक्षण यज्ञ देवता नित्य से पूजा करई नित्य से पूजा करई हे सुजने नित्य से पूजा करई नित्य से पूजा करई हे सुजने नित्य से पूजा करई ए नौटा लक्षण आठार देवता को सद्गुरु बोली तू जानिबु आउ दशम लक्षणी यज्ञ देवता को नित्य से पूजा करई प्रतिदिन यज्ञ करूथिबे यज्ञ तेतीस कोटी देवतांकर मुख्य होती यज्ञ अग्नि प्रतिदिन अग्निहोत्र जी करूब ताकू तु सद्गुरु बोली जानिबु आउ ये लक्षण गुड़िक जहाँ थी तू जानिबु से हूँ सद्गुरु तेणु हे ज्ञानीगुणी मंडली आउरी महापुरुष कहले एकादश ठारे सकल जनरे बढ़ाई पारे जे प्रीति सका संजरे पूजा करू थर दासरथी सब भगवान मन तार थी शरीर द्वारा संसार कर्म करूँ सद्गुरु आ शिष्य को निजर अंग अवयव बोली भावुव तुम्हें मैंने मोर शिष्य मुझे गुरु मु बड़ तुम्हें सान ना शिष्य मान निज शरीर अंग प्रत्यंग भाव जी भावुव सी हूँ संसार सद्गुरु ये लक्षण होची सद्गुरु यही सद्गुरु तो जीवन जब मिली जाऊँगी या को ही तो जीवन में गुरु रूपे ग्रहण कर तेल से ही ये संसार सगर ते पारि करदेवे ये ज्ञानीगुणी मंडली सदी जानी आज तो समय ही आज मालिका वचन आम आलोचना कले जे कौन कौन लक्षण थे आम जन को सद्गुरु बोली कहवा ये विषय मालिकार महापुरुष कौन लिखिंट से विषय आप शुणिले आज तो आसतु समय बाणी की विराम दबा श्री प्रभु नाम नहीं बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि हरि सुधी जानी आज आसतु बाणी के ठारे विराम दबा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।